ऊना के एक साल पर उत्तर गुजरात के मेहसाणा से बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट तक दलितों की आवंटित की गई जमीनों के ऊपर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स का गैरकानूनी कब्जा था उसको वापस दिलवाने के लिए हम लोगों ने संगठन के तौर पर एक आजादी कूच का आयोजन किया था, लेकिन रैली की परमिशन नहीं थी। उस ग्राउंड पे मेहसाणा की कोर्ट ने मेरे साथ दूसरे 10 साथियों को 3 महीना और 1,000 रुपये के दंड की सजा, हम लोगों को दोषित पाया है, सजा की है, कन्विक्शन किया है। लेकिन मैं न्यायतंत्र का सम्मान करता हूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आसाम में मेरे खिलाफ हुई गिरफ्तारी फर्जी मुकदमे और इस केस में भी और सारे केस में जिस प्रकार से गुजरात का पुलिस प्रशासन और भाजपा सरकार मानो मैं कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर हूं, टेररिस्ट हूं, इस प्रकार से मेरे पीछे जो पड़ गई है पॉलिटिकली, मुझे खत्म करने के लिए, मुझे नेस्तो नाबूद करने के लिए जिस प्रकार से भाजपा लगी हुई है वो पूरे गुजरात और देश की जनता देख रही है। यहाँ बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, पेपर लीक होते हैं, ड्रग्स माफिया है, रियल एस्टेट के माफिया है, माइनिंग माफिया है, खून और बलात्कार के आरोपी के खिलाफ भाजपा की सरकार कुछ नहीं करती, लेकिन रैली का परमिशन न लेने पर जिग्नेश मेवाणी को किस प्रकार से सजा करवाई जाए, ये जो सरकार की मंशा इसमें से बाहर आती है वो पूरा गुजरात और पूरा देश समझ रहा है। लेकिन हम लोग भी तय किए हैं कि हर जोर जुलम की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, भाजपा की सरकार को जो करना है कर लो। हम लोग कल भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे, परसों भी लड़ेंगे।